हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक नया मास्टरपीस के बारे में और जिसका नाम है सुजुमे नो तोजी मारी। ये मूवी इंडिया में तो छोड़ो, जापान में भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हाल ही में इसका दो ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा और जिसको देख के आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं तो हुआ हूँ, आप लोग भी हो जाओगे, क्योंकि ये मूवी डायरेक्ट किया है मकातो शिनकाई ने, जिसने हमें पहले भी बहुत सारे मास्टरपीस दे चुके हैं जिसका नाम है योर नेम एंड वेदरिंग विद यू। तो हम इस बात से तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है। और तो और ये मूवी इसी साल रिलीज होने जा रहा है 11 नवंबर को जापान में, और अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो हमें इंडिया में भी बहुत ही जल्दी इसको देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन को इतना ज्यादा सपोर्ट किया है और हमें तो नहीं लगता वो लोग इंडिया के एनिमे फैन बेस को देख के ये मौका हाथ से जाने देंगे। पैसा सभी को जरूरत है, इंडिया में रिलीज होगा तो पैसा ही पैसा होगा। वैसे हमें भी जरूरत है, जल्दी से 2K कर दो यारो और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करो ताकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। भाई लोग, मुझे ग्राफिक्स कार्ड खरीदना है। जो भी, इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा वाइब मिलेगा योर नेम और वेदरिंग यू का, क्योंकि ये मूवी मकातो शिनकाई ने डायरेक्ट किया और लिखा भी है, इसीलिए इन महाशय ने कुछ भी चेंज ही नहीं किया इस मूवी के अंदर। कैरेक्टर डिजाइन से लेके एनिमेशन से लेके उसके साथ साथ म्यूजिक कम्पोजिशन और जो जो बैकग्राउंड म्यूजिक इनमें दिए हैं, सारा का सारा आपको वैसा ही लगेगा जैसे आप लोगों ने योर नेम और वेदरिंग विद यू में देखा है। कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे, स्पेशली ये दोनों सीन्स। इन दोनों सीन्स में तो हमें पूरा का पूरा योर नेम ही याद करवा दिया, लेकिन इस मूवी का स्टोरी लाइन पूरा का पूरा अलग है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोले हैं कि ये वाला मूवी योर नेम का ही एक पार्ट है, लेकिन नहीं, ये वाला मूवी योर नेम का पार्ट नहीं है। इस मूवी का स्टोरी लाइन पूरा का पूरा अलग है। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि मकातो शिनकाई अपना एक यूनिवर्स बना रहे हैं तो फिर भाई अलग ही हो जाएगा। जो भी ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है कि इस मूवी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सुजुमे, जो कि 17 इयर्स का है, और ये लड़की एक यंग लड़के के साथ मीट करता है जो कि खोज कर रहा था एक दरवाजे की, तो वो लड़की इस लड़के को हेल्प करता है उस दरवाजे को खोजने के लिए, और इन दोनों को वो दरवाजा मिल भी जाता है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि ये दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं है, ये दरवाजा है डोर्स ऑफ डिजास्टर्स की। और सुजुमे जब उस दरवाजे के सामने जाता है और दरवाजे को खोलने के बाद वो अलग ही दुनिया देखता है, और इसी दरवाजे के ऊपर ही पूरा का पूरा कहानी बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होता। ट्रेलर में हमें ये भी दिखाया गया है कि ऐसा दरवाजा सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा है। जो भी हो, फिर सुजुमे बहुत कुछ सोचने के बाद और संदीप महेश्वरी के कुछ वीडियोस देखने के बाद अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करके निकल पड़ता है एक जर्नी पे, और वो ठान लेता है कि सारे के सारे दरवाजा वो बंद करके छोड़ेगा ताकि फर्दर कोई डिजास्टर उन दरवाजों से जापान में ना आए। और इसी जर्नी के वक्त हमें बहुत सारा एडवेंचर और थोड़ा बहुत बैटल मिल सकता है देखने को। लास्टली मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि इस मूवी को लेके मेरा एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं हो पाते, इसीलिए मैं थोड़ा दुखी तो हूँ, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और ये मूवी अच्छा होके ही रहेगा। और एक चीज, ये मूवी अगर थिएटर्स में रिलीज होता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस मूवी का ट्रेलर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो गाइस, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। और जल्दी से जल्दी हमारे 2K भी कर दीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू आर न्यू, देन सो टाटा, सी यू लेटर।